Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं हाँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दस बीमारियों के लिए यह जीरा पानी अमृत के समान है कि किन लोगों को कौन से ऐसे दस लोग हैं कौन सी ऐसी दस बीमारियां हैं जिनमें जीरा पानी पीना अमृत साबित हुआ है क्योंकि जीरे पानी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है तो इसे बनाना कैसे है आपने इसे रात को एक गिलास पानी में डेढ़ चम्मच जीरा डाल के रख देना है और सुबह उसे बॉयल करना है और थोड़ा ठंडा करके यानी गुनगुना करके पी लेना है अब बात करते हैं ऐसी दस बीमारियों में जिसमें ये जीरा पानी अमृत साबित हुआ है यानी ऐसे दस लोगों को जीरा पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है तो सबसे पहले बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है उन्हें सुबह मॉर्निंग में पीना ये पानी तो ये सुबह मॉर्निंग में ये पानी गुनगुना करके ज़रूर पीना चाहिए इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है इसके अलावा जिनको डायबिटीज प्रॉब्लम है यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है उनको भी ये जीरा पानी जरूर पीना चाहिए ये डायबिटीज को कंट्रोल में करता है जिनको भी मसल पेन है उनको भी जीरा पानी ये जरूर पीना चाहिए क्योंकि जीरा पानी पीने से ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो बेटर बनता है और मसल पेन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती इसके अलावा जिनको स्किन से रिलेटिव कोई भी कोई भी प्रॉब्लम है पिंपल होते हैं रेडनेस आती है डार्क स्पॉट हो जाते हैं सर्कल हो जाते हैं फेस आइज़ के नीचे तो उनको भी जीरा पानी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये स्किन प्रॉब्लम के कारण ही फेस पर ये जो इफेक्ट्स हैं देखने को मिलते हैं क्योंकि बॉडी जो होती है वो उससे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो दूर नहीं हो पाते सही तरीके से तो इसलिए ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इसके अलावा जिनका भी डाइजेस्ट सिस्टम खराब है ये कह सकते हैं चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो बच्चे को एक चम्मच और बड़ों को एक गिलास ये जीरा पानी जरूर पीना चाहिए जिनका भी डाइजेस्ट सिस्टम वीक है इसके अलावा मोटापे में ये बहुत कारगर है जिनको भी मोटापे की प्रॉब्लम है यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम उन्हीं को है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है यानी कि वो जो भी खाते हैं बजाय वो एनर्जी में कन्वर्ट होने में वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो जिनको भी मोटापे की प्रॉब्लम है उनको भी जीरा पानी ज़रूर पीना चाहिए इसके अलावा जिनको एनीमिया यानी खून की कमी है जीरे पानी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसीलिए जिस भी चीजों में आयरन है आयरन की चीजें खाने से खून की कमी नहीं हो सकती जिनको नींद नहीं आती है यानी कि ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता ही नहीं है रात के टाइम तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए और प्रॉपर नींद लेने के लिए हमें हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है और नींद तभी आएगी जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा इसीलिए ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपको रोज मॉर्निंग में ये जीरा पानी जरूर पीना चाहिए इसके अलावा जिनको भी फीवर फील हो रहा है या फिर फीवर बहुत जल्दी हो जाता है उन्हें भी जीरा पानी ज़रूर पीना चाहिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें अगर आप इसी इंफॉर्मेशन को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में भी लिंक दिया गया है और इसे लाइक like करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी जरूर करें ताकि सब लोगों को इसके इंफॉर्मेशन ये जो जीरे के फायदे मिल सकें इसके अलावा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहें मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम यानी कि सुबह के नौ बजे तब तक के लिए स्टे हेल्दी ऑलवेज बी हैप्पी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके बाय